हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये है टाटा पंच की कैमरा एडिशन, आप देख सकते हैं। एक्चुअली मैं भी इसे फर्स्ट टाइम देख रहा हूँ, तो फर्स्ट इंप्रेशन है मेरा भी, एंड आप लोगों के लिए भी ये फर्स्ट इंप्रेशन होने वाला। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं एंड टाटा पंच को अभी तक नहीं देखे हैं, तो फेंडर्स पे देख सकते हैं कैमरा एडिशन की बैजिंग है। ये कुछ अलग तरीके का फॉन्ट है, बहुत सही लग रहा है देखने में अगर आप सामने से देखेंगे तो। एंड सीएट सिक्योरिटी ड्राइव के आपको टायर मिल जाते हैं इसमें, आप देख सकते हैं। एंड टायर साइज की बात करूं तो 185/70 15 इंच का है ये। एंड ये उसके ऊपर कैप लगा, ये मत सोचिएगा एलॉय है, ये कैप है। एंड इसके पीछे वही आपको जो स्टील आता है एलॉय, वो है। सामने डिस्क ब्रेक मिलता है एंड पीछे ड्रम ब्रेक्स मिल जाते हैं आपको। इसमें आपको 1.2 रेवेट्रॉन 3 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो कि अल्ट्रोज टियागो टिगोर नेक्सॉन में आता है। एंड ये एनए पेट्रोल इंजन है, जो कि प्रोड्यूस करता है 86 हॉर्स पावर एंड 113 Nm का मैक्सिमम टॉर्क 6000 आरपीएम तक। कुछ इस तरीके का फ्रंट लुक है इसका कैमरा एडिशन का। इसके बाजू में आप देख सकते हैं ग्रे कलर वाली खड़ी है, एंड ये बाजू में उसके कैमरा एडिशन, तो डिफरेंस क्लियरली आपको विजिबल हो रहा होगा। इसमें एक मैकेनिकल चेंजेस की बात करूं तो कुछ भी मैकेनिकल चेंजेस नहीं है, ये सिर्फ एक एडिशन है। जैसे काजीरंगा एडिशन आया था इसमें गोल्डन कलर वाला, वैसी ही ये भी देख सकते हैं आप। सामने आपको लाइट मिल जाती है, फॉग लैंप मिल जाता है, डीआरएल मिल जाता है, इंडिकेटर मिल जाता है। एंड ये आपको इसमें आपको प्रोजेक्टर सेटअप नहीं मिलता है बिकॉज ये टॉप मॉडल नहीं है, इसमें आपको मिल जाता है बिकॉज ये टॉप मॉडल है, देख सकते हैं आप। तो इसमें लाइट ऐसी रहेगी जैसे कि आपने देखा होगा, लो बीम मतलब लो बीम, हाई बीम मतलब हाई बीम, दोनों टाइम में मतलब दोनों एक साथ नहीं जल सकती है, इस लाइट का मतलब ये है। कैमरा एडिशन आपको प्योर के ऊपर से चालू हो जाती है, प्योर में नहीं मिलती, मतलब बेस मॉडल में नहीं मिलती है, वो आरवीएम्स पे ही आपको इंडिकेटर देखने को मिलता है। एंड ऊपर ब्लैक रूफ देख सकते हैं आप। डुअल टोन का जो इसमें कलर दिया गया है कैमो के साथ, जिसमें कैमो कलर है एंड उसके ऊपर ब्लैक, काफी सही लग रहा है यार, काफी सही लग रहा है, मुझे तो काफी सही लग रहा है। आप भी सामने से देखेंगे तो काफी सही लगेगी कार। 14-15 थाउजेंड पर मंथ सेल हो रही है ये टाटा पंच, अल्फा आर्किटेक्चर प्लेटफॉर्म में बनी है। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी अच्छा है अगर आप विलेज में रहते हैं ये कार लेने, अगर आपका बजट है इस कार को लेने का तो आप ले सकते हैं, ग्राउंड क्लियरेंस का इश्यू नहीं आएगा इस कार में। बाकी ये बॉडी क्लैडिंग है, पीछे देख सकते हो आप पंच की बैजिंग है, ब्लैक कलर में लिखा है, ब्लैक मैट में, रिवर्स पार्किंग कैमरा है। एंड यहाँ पे देख सकते हैं राइनो की बैजिंग है। एंड वोकल फॉर लोकल एंड दिस हाई माउंट स्टॉप लैंप मिल जाता है। एंड ऊपर आपको नॉर्मल इंडिकेटर मिल जाए, मतलब नॉर्मल एंटीना मिल जाता है, इंडिकेटर बोल रहा हूँ। बाकी कुछ इस तरीके का इसका रियर लुक है। यहाँ पे आपको दो रिवर्स पार्किंग सेंसर्स मिल जाते हैं, यहाँ रिफ्लेक्टर्स मिल जाते हैं। इंटीरियर में आपको 7 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, हार्मन का म्यूजिक सिस्टम मिल जाता है। इस टाटा पंच में चाहे कोई भी एडिशन ले लो, कैमो ले लो या टॉप मॉडल ले लो इस कार का, आपको किसी में इसमें हैंड रेस्ट नहीं मिलता, आर्मरेस्ट मतलब ड्राइवर साइड के लिए। रियर सीट में तो मिलता है टॉप मॉडल में, बट इसमें आपको आर्मरेस्ट कोई भी वेरियंट में नहीं मिलता है। सो दैट बिग नेगेटिव पॉइंट फॉर दिस, बिकॉज अगर आप 10 लाख इसमें खर्च करेंगे तो आपको एक आमरेस मिलना चाहिए ड्राइवर के लिए। अब खैर इग्निस में भी नहीं मिलता कोई भी वेरिएंट में, बट उसका प्राइस भी तो कम है इससे कंपैरिजन में, बट ठीक है भाई, 5 स्टार रेटेड कार है, प्यारी कार है, चलने में तो मस्त है, इसका सस्पेंशन वगैरह सब एक नंबर है। सो गाइस, ये था एक छोटा सा वॉक अराउंड मेरी तरफ से, कुछ ज़्यादा बताने के लिए है नहीं क्योंकि इसमें कोई चेंजेस नहीं है एक्स्ट्रा, बस एक कैमरा एडिशन है जो इसमें आपको ब्लैक कलर के टॉप में अलॉय मिल जाते हैं एंड इसमें व्हील कैप मिल जाते हैं जो वेरिएंट में आपको दिखा रहा हूँ, एंड ब्लैक रूफ मिल जाती है एंड कैमो कलर मिल जाता है, आप देख सकते हैं। सो गाइस, एंड करते हैं यहाँ पे वीडियो को, थैंक यू सो मच वॉचिंग, बाय बाय।